आप ये जो KTM का देख रहे हैं ये आसनसोल का ऑथराइज सेंटर है। तो चलिए चलते हैं शोरूम के अंदर और मैं आपको मिलवाता हूँ KTM RC 200 से जो BS6 मॉडल में आया हुआ है। हेलो गाइज, तो आज आपका भाई रजत लेकर आया है आपके लिए KTM RC 200। तो ये है KTM RC 200 VS6 वेरिएंट में और गाइज लुक वाइज इस बाइक में कहीं से कोई भी कमी नहीं लग रही है। तो चलिए देखते हैं VS6 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो भाई सबसे बड़ा फर्स्ट चेंजेस जो इसका हुआ है, सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है कलर और ग्राफिक्स। और सेकेंड जो इसका चेंज हुआ, ये इसका इंजन पहले VS4 में आता था, अब ये VS6 में चेंज हो गया है। तो ये दो चेंजेस सबसे बड़े चेंजेस है KTM RC 200 VS6 में। फिलहाल आपको इसमें एक ही कलर देखने को मिलेगा। अगर कोई और न्यू कलर लॉन्च होता है तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप KTM RC 200 VS6 का सेकेंड न्यू कलर देखना चाहते हैं तो अभी आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सबसे पहले इसके न्यू कलर का वीडियो मैं अपने इस चैनल पर लाऊंगा। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं इसके न्यू कलर को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले आप देख पाएंगे KTM RC 200 VS6 का न्यू कलर। इस बाइक में आपको कैथलेटिक कन्वर्टर मिल जाएगा और अगर इसके इंजन की बात की जाए तो आपको इसके इंजन में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। आपको इसमें सिंगल सिलेंडर 4V FI DOSC लिक्विड कूल VS6 इंजन देखने को मिलेगा। 10,000 RPM पे 25 PS का पावर जनरेट करता है और 8,000 RPM पे 90.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छा खासा पावर मिल जाता है। आप ये जो देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है, यहाँ से आप इंजन ऑयल को देख सकते हैं। स्पीड की बात की जाए तो इसमें आपको टॉप स्पीड 130 से 140 किलोमीटर पर आवर का स्पीड इजीली से मिल जाएगा। और बात की जाए इसकी पावर की, तो आपको इसमें 6-speed गियरबॉक्स मिलेगा। और एक चीज़, आपको इस बाइक में स्लीपर क्लच देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें आपको 9.5 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिलेगा। और माइलेज की बात की जाए तो इसमें आपको सिटी में 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा और हाईवे में 35 किलोमीटर तक का माइलेज मिल जाएगा आपको। कूलेंट आपको हैंडल के नीचे देखने को मिल जाएगा। बात की जाए इसके ब्रेक्स की, तो भाई ये KTM एक रेसिंग बाइक है, जिसको आप एक तरह से रेसिंग मशीन भी बोल सकते हैं। तो अगर ये बाइक रेसिंग बाइक है तो कंपनी भी उसी हिसाब से इसके ब्रेक्स को बनाती है, जो ज़्यादा सेफ्टी दे पाए। तो आपको इसमें डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा और फ्रंट में, रियर में, दोनों में डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए इसके फ्रंट में, तो आपको फ्रंट में 300mm की डिस्प्ले और रियर में 230mm का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बात करते हैं अब इसके सस्पेंशन की, तो आपको फ्रंट में इस बाइक में USD सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा और रियर में मोनोसो सस्पेंशन लगा हुआ है। और ये जो रियर का सस्पेंशन है, आप इसको 10 टाइम्स एडजस्टेबल कर सकते हैं, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके हेडलाइट की ओर, तो आपको इसके हेडलाइट में हेलोजिन लगा हुआ मिलेगा, जो कि प्रोजेक्टर में कन्वर्ट है। और आपको इसमें 2 LED लाइट दिया हुआ है, जिसको आप डे टाइम रनिंग लाइट भी बोल सकते हैं। तो गाइज इसके इंडिकेटर में भी आपको LED देखने को मिलेगा और इसका जो टेल लैंप है उसमें भी आपको LED देखने को मिलेगा। और ये जो KTM का टेल लैंप होता है वो सभी बाइकों से अलग और हटके होता है, जो कि मॉन्स्टर लुक देता है। और जो फ्रंट का आप इंडिकेटर देख रहे हैं, ये एक इंडिकेटर है, इसमें भी LED लगा है और ये एक उल्लू की आँख की तरह बना हुआ दिखता है। अब मैं आपका ध्यान इसके कंसोल मीटर की तरफ देखने को ले जाता हूँ। तो कंसोल में ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सब चीज़ सेम है जो पहले BS4 में रहता था। कंसोल में आपको फुली डिजिटल देखने को मिलेगा, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे गियर इंडिकेटर, साइड से स्टैंड सेंसर, किलोमीटर टाइम, माइलेज, RPM, फ्यूल स्पीडोमीटर
टेम्परेचर वगैरह जो, तो सारी चीज़ों का आप इसमें डिजिटली देख पाएंगे। तो गाइज अब बात करते हैं इसके सीट की। तो के टी एम आर सी 200 VS6 में आपको 820 mm की सीट हाइट दी गई है और बैक सीट पे ध्यान दें तो आपको ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये कॉल या फाइबर जैसा कुछ लगा हुआ है, बट ब्रो ये एक सीट ही है जिस पे आप बैठ भी सकते हैं। तो भाई देख क्या रहे हो यार, बाइक खरीदो, जाओ बैठो और उनको भी घुमाओ यार, समझ गए ना, समझदार के लिए सारा ही काफ़ी, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। इस बाइक में आपको 178 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। तो अगर आप टायर की बात की जाए तो इसके फ्रंट में आपको 110x70 एंड रियर में 150x60x R ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। अगर हैंडल की तरफ देखें तो हैंडल में जो स्विच लगे हुए हैं वो भी सेम है VS4 की तरह ही, ज़्यादा कुछ इसमें भी चेंज वगैरह नहीं किया गया है। अब मेन और लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 2,02,016 रुपये आसनसोल एक्स शोरूम का ये प्राइस है। आप अपने नज़दीकी एक्स शोरूम में प्राइस चेक कर सकते हैं, सबके अलग अलग प्राइस होते हैं।